क्या सच में आसमान नीले रंग का होता है? यह एक मिथ है, चलिए इसे समझते हैं। यह एक ट्रांसपेरेंट एयर यानी पारदर्शी हवा है और आसमान का अपना कोई भी रंग नहीं होता। जब वाइट लाइट इस पर पड़ती है या इससे गुजरती है तब यह देखने में ब्लू कलर का दिखाई देता है। हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सभी गैसेस एंड पार्टिकल्स सनलाइट को सभी डायरेक्शन में स्कैटर यानी फैला देते हैं। इस इफेक्ट को रेली स्कैटरिंग कहते हैं। लाइट की जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी वह ज़्यादा स्कैटर होगी, इसलिए शॉर्ट वेवलेंथ वाली ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर होती है और इस वजह से देखने में आसमान नीले रंग का दिखाई देता है। लेकिन वायलेट रंग की लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और वह ब्लू रंग की लाइट से ज़्यादा फैलती है। लेकिन फिर हमें आसमान वायलेट या वायलेट ब्लूइश वाइट रंग का क्यों नहीं दिखाई देता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सन से ब्लू कलर की लाइट वायलेट कलर की लाइट से ज़्यादा निकलती है, जिसे कि हम सोलर स्पेक्ट्रम में इजीली देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी आंखें वायलेट से इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती है जितनी कि ब्लू से होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।